देखिए टुडेज़ टॉपिक 1.5.2 हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, है ना। तो इससे पहले जो है प्रीवियस लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके थे यहाँ तक डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स, ना। ये कंप्लीट किया था, फैक्टर्स जो थे इवेपोरेशन के वो अपन ने कंप्लीट किए थे इन द प्रीवियस लेक्चर। सो यू कैन चेक दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर चैनल। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो, इन एन ओपन वीजल द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग। तो आपको पता है एक खुले बर्तन में जो है लिक्विड इवोपरेट होने लगता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवोपरेशन। तो वो कैसे होता है इवोपरेट, है ना। वेपराइजेशन और इवोपरेशन में काफ़ी अंतर है, है ना। तो वेपराइजेशन जो है वो मैं पहले समझा चुका हूँ, और इवोपरेशन जो है वो अपन इसमें समझ लेंगे कि व्हाट इज़ इवोपरेशन, क्या होता है। तो जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी सराउंडिंग्स से, है ना, टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवोपरेशन, ना। इवोपरेशन के समय में क्या होता है, सराउंडिंग्स से जो लिक्विड है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एवोपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, ना, मतलब कि उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं गैसेस में। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड। तो जब वो एनर्जी लेके गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, तो एनर्जी कहाँ से ली उन्होंने, सराउंडिंग्स थे। तो एनर्जी जब ले लेंगे तो फिर क्या होगा, वो जो सराउंडिंग है वो कोल्ड हो जाएगी, वहाँ की जो हीट एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, वहाँ की जो हीट होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी और सराउंडिंग्स ऐसी हो जाएगी कोल्ड हो जाएगी, ना। तो आप समझ सकते हैं जब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है, तो आप समझ चुके होंगे ना। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। तो जब आपने नेल पॉलिश, आप जानते हो कि नेल पॉलिश आती है, ठीक है, तो रिमूवर होता है उसका एक वाइट कलर का, ठीक है, तो उसको उससे क्या होगा, उसका नाम एसीटोन होता है। तो जब आप उसे अपनी पाम पर रखते हो, गद्दी पर रखते हो, हाथीली पर रखते हो, तो द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो यही जो है सिस्टम जो है इसी में भी फॉलो होता है, है ना। ऐसा ही क्या होता है, वो जो पाम से आपकी जो हथेली होती है उससे एनर्जी ले लेता है, ठीक है, एसीटोन जो होता है नेल पॉलिश रिमूवर, और या फिर सराउंडिंग से वो ले लेता है, हीट ले लेता है। तो इस हीट से वो क्या हो जाता है, अब आपको पता ही है हीट से क्या होता है, पार्टिकल्स अपनी अपनी जो है काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा हो जाती है, और वो अपनी उससे स्टेट से बाहर निकलने लगते हैं और दूसरी स्टेट में मतलब चेंज हो जाते हैं, ना। तो लिक्विड से वो चेंज होने लगते हैं गैसियस स्टेट में, इवेपोरेशन होने लगता है। तो ये था पहला एग्जांपल बताया एसीटोन का। तो आप समझ चुके होंगे वो एकदम से ठंडा ठंडा सा महसूस होता है आपकी हथेली पर, क्योंकि उसकी वो पाम की जो एनर्जी ले लेता है एंड देन इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, या फिर सराउंडिंग्स की भी ले लेता है। आफ्टर अ हॉट डे, हॉट सनी डे, द डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लिटेंटिटी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सर्फेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा कि बहुत तेज़ धूप होती है, सनी डेज होते हैं, तो लोग वह क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, पानी छिड़कते हैं अपनी छतों पर या ओपन ग्राउंड पर, बिकॉज नाइट, आप नाइट में देख सकते हैं, ज़्यादातर इवनिंग में देख सकते हैं लोग वह ऐसा करते हैं ना गर्मियों के दिनों में, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्यों करते हैं, वो पानी छिड़कते हैं क्योंकि जो अपन ने पानी छिड़का तो वो जो क्या करते हैं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर से जो है मतलब कि सरफेस की जो हीट है वो ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या सराउंडिंग्स की हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन एवोपरेट हो जाते हैं ना वो पानी। आपको देखेंगे आप पानी को देख मतलब एवोपरेट हो जाता है पानी, जैसे ही आप स्प्रिंकल करते हैं सरफेस पर पानी एवोपरेट हो जाता है, और एवोपरेट होने के साथ साथ वो एनर्जी भी लेके चला जाता है, ठीक है। एवोपरेट होने में एनर्जी तो लगती ही है, तो इसीलिए जो सरफेस है वो कूल हो जाता है ना। एंड कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू एवोपरेशन। तो आप और एग्जांपल्स सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसे कूलिंग के जो एग्जांपल्स हैं ड्यू टू एवोपरेशन, एवोपरेशन से कूलिंग कैसी होती है। सो यू कैन थिंक एंड राइट, बता सकते हैं, है ना। देखेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाई शुड वी वियर क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो आपको कपड़े कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए, क्यों सलाह दी जाती है कपड़े कॉटन क्लॉथ्स पहनने की इन द समर। तो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच
कीप्स अस कूल। तो समर के सीज़न में होता ये है कि आपका जो बॉडी का मैकेनिज्म है, आपकी जो बॉडी है वो आपको कूल रखना चाहती है। यू नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सर्फेस एंड चेंज इन टू वेपर। तो होता ये है कि जब आपकी स्वेटिंग होने लगती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो स्वेटिंग जो आता है, आपको स्वेट होता है, जो पसीना होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, होता तो लिक्विड ही है, तो वो क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स या फिर आपकी बॉडी से, ठीक है, बॉडी पर तो आता ही है, और चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, वेपराइजेशन हो जाता है। तो वेपराइजेशन से आपको पता ही है कूलिंग होती है, इसीलिए आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। तो जो मैंने अभी बताया वही बात इसमें लिखा हुआ है, जो एनर्जी वो लेता है इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इतना एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द बॉडी बॉडी से, और बॉडी कैसी हो जाती है आपकी, कूल हो जाती है, क्योंकि एवेपोरेशन से आपका जो है कूलिंग होती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, और कॉटन की इसीलिए सलाह दी जाती है क्योंकि कॉटन जो है एक अच्छा एब्जॉर्बर है, है ना, बहुत अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और बाकी के सारे वो जो हैं फाइबर्स वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, स्वेट को पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है या वाटर को, एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफियर फॉर ईजी एवेपोरेशन, और इसको जो है सराउंडिंग मतलब कि एटमॉस्फेयर में इजीली एवोपरेट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए कॉटन क्लॉथ्स की जो है सलाह दी जाती है। देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो आप देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे ही आप क्या कर देते हैं, ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, एक ग्लास आप रख दीजिए, उसमें काफ़ी ठंडा पानी है, आइस भी डली हुई है, तो क्या होता है, जैसे ही आप उसे बाहर रखते हैं आउटर सरफेस पर, उसके जो है ग्लास के अब वाटर ड्रॉपलेट्स आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इन टू द लिक्विड स्टेट, ना, सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। तो देखेंगे, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। आपने आइस कोल्ड वाटर लिया आप टम्बलर में, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर। तो आप थोड़ी देर में जो है वाटर ड्रॉपलेट्स उनके आउटर सर्फेस पर देख पाएंगे। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द ईयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लॉसेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज ड्रॉपलेट्स। तो होता ये है कि जैसे ही आप एक ग्लास को रख देंगे बाहर, ठीक है, ग्लास को रख दिया, इसमें पानी भर के रख दिया आपने, तो आप देखेंगे इन द आउटर सरफेस, आप देखेंगे यहाँ जो है उसके पानी पानी जो है जमा होने लगता है, ठीक है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में जो है आपकी एयर में वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स होते हैं आपकी एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इससे पहले लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूँ। तो वो जब इस टेम्परेचर मतलब इस उससे टकराते हैं वेसल से या फिर ये टम्बलर से या ग्लास से, तो जो है वो चेंज होने लगते हैं, वो जो स्टेट है उनकी कैसी है, इस स्टेट से क्या किस स्टेट में आने लगते हैं वो लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो मैं एक बात और बताना भूल गया कि सॉरी मैंने गलती कर दी बताने में, कंडेंसेशन जो है प्रोसेस उसमें क्या होता है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं पार्टिकल, कोई भी मैटर जो है वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलता है, तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं ना, तो सॉरी फॉर दैट, है ना। तो आप समझ चुके होंगे ऐसा ही होता है, जैसे अगर आप पानी देखेंगे, पानी जब आपका एवेपोरेट होता है, है ना, नदियों से तालाबों से, तो वो ऊपर जाता है, ऊपर पहुँच के फिर वो कंडेंसेट हो जाता है ना, ठीक है, गैसियस फॉर्म में ऊपर जाता है, फिर वो कंडेंसेट हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो है आपका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जैसे जैसे आप जाते जाएंगे ऊपर, है ना, तो जो आपका टेम्परेचर कम होता जाता है, तब आप माउंटेन्स पर भी देख सकते हैं आपका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे वो जो वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं, तो वो कंडेंसेट हो जाते हैं ना, पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड फॉर्म में बदल जाते हैं, ठीक है, मतलब लिक्विड हो जाते हैं, सॉरी, एंड वो फिर जो है बूंदें बन जाती हैं, फिर वो नीचे टपकने लगते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, ये जो कुछ
देखेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये आप ही को करने हैं, तो आप कर सकते हैं इजीली। देखेंगे इन दिस मोर टू नो में क्या दिया गया है। नाउ साइंटिस्ट्स आर टॉकिंग ऑफ फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो है आप साइंटिस्ट ने जो है फाइव मैटर्स बताए, फाइव स्टेट्स बताई है मैटर की। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो अपन एज वी ऑल हैव डिस्कस्ड अभी कर चुके हैं। अब प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, तो आप देखेंगे प्लाज्मा जो है आप द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, एक्साइटेड पार्टिकल्स। इस स्टेट में जो है पार्टिकल्स काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, ये आयोनाइज्ड गैसेस में प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस में है ना आपको मिलेंगे। अब आप इन्हें देखेंगे कहाँ, आप देख सकते हैं फ्लूरोसेंट ट्यूब आता है, नियॉन साइन बल्ब्स आते हैं, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, उनमें प्लाज्मा होता है। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज नियॉन गैस, इनसाइड अ फ्लूरोसेंट ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस। अब आप नियॉन बल्ब देख लेंगे तो उसमें नियॉन गैस होती है, और फ्लूरोसेंट ट्यूब लेंगे तो उसमें हीलियम गैस होती है, और भी अदर गैसेस होती हैं, तो दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, दैट इज गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। तो जो है गैस जो है ये आयोनाइज्ड हो जाती हैं। आयोनाइज्ड कब होती हैं चीज़ें, जब उनको चार्ज मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर उनमें जो है बहने लगती है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनको मिलने लगती है, ठीक है, तो वो आयनाइज्ड हो जाती हैं गैसेस। द चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, फिर आप देख सकते हैं वो ग्लो करने लगते हैं, है ना, बल्ब जो है ग्लो करने लगता है ड्यू टू द प्लाज्मा, है ना, जो प्लाज्मा होता है वो ग्लो करने लगता है। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो जो गैस के नेचर पर ही डिपेंड करता है कि उसका कलर कैसा होगा प्लाज्मा का। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। अब इसी के एग्जांपल सन और स्टार्स भी हैं जो ग्लो करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि उनमें भी प्लाज्मा होता है ना। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा जो है उनमें स्टार्स में कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर भी उनको मिलता है काफ़ी हाई अमाउंट में, ठीक है। तो ये था प्लाज्मा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है, मतलब इसमें जो भी दिया है इज़ मोर देन सफिशियंट, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेट जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसमें क्या दिया गया है। इन 1920 में क्या हुआ, इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस, आप जानते होंगे ये रहे, एड डन सम कैलकुलेशंस फॉर अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उन्होंने कुछ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कुछ गणनाएं की होंगी, कुछ बताया होगा, ठीक है। बिल्डिंग ऑन इज कैलकुलेशंस अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो ये पहले ही एक जो है भविष्यवाणी, एक प्रेडिक्शन ये कर दी थी कि एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर है द बोस आइंस्टीन मैटर BEC। फिर क्या हुआ लेटर बाद में इन 2001 में क्या हुआ, ये जो है साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, यू कैन रीड देम, रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। फिर इनको जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला फॉर अचीविंग बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। इस स्टेट के बारे में उन्होंने और रिसर्च की पता लगाया। तो द BEC फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 1/3 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। यू कैन लॉग ऑन टू ये वेबसाइट दी गई है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। बोस आइंस्टीन BEC जो है बनता कैसे है, आप किसी गैस को इतना कूल कीजिए एक्सट्रीमली लो डेंसिटी हो जाती है उसकी, अबाउट 1/3,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। तो बहुत ज़्यादा उसको बहुत लो टेम्परेचर पर उसको कूल करना है, इतना कूल करना है, तब जाके वो जो है ये स्टेट आती है किसी मैटर की, तो मैटर में भी वो कौन सा, किसी गैस को आपको करना है, ठीक है। तो आप जब उसको एक्सट्रीमली कूल कर देंगे तो यू विल गेट द BEC या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है स्टेट आपको प्राप्त होगी, मिलेगी, है ना। तो देखेंगे इन दिस इन द नेक्स्ट पेज व्हाट यू हैव लर्न। तो आपका ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो आप छोटे छोटे लेक्चर्स जो थे अपन ने इसको डिवाइड किया था इस चैप्टर को, तो यू कैन वॉच ऑल द वीडियो लेक्चर्स ना, आपको समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर ईजीली।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।